जो सेकंड हाउस होता है ना, उसको बढ़िया से समझोगे तो सब समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट फर्स्ट हाउस बताता रहा हूँ, सुनो तो। पहला पहला हाउस क्या है ना, पहला हाउस तो लग्न हो गया, तो लग्न इज एवरीथिंग। ओके, लग्न से ही हम लोग अगर लग्न को ही देख लेंगे तो सब देख लेते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अनुभव चाहिए। लेकिन सेकंड हाउस जिसको मार्केस हाउस कहा जाता है, उस हाउस से धन का देखा जाता है, खाद्य को देखा जाता है, भोजन को देखा जाता है, परिवार परिवार को देखा जाता है ना। तो ये तीन बेसिक है, बाकी तो बहुत कुछ सेकंड हाउस से देखा जाता है कि नहीं। और फिर तुम्हारा चाइल्डहुड का एजुकेशन को भी देखा जाता है। और सेकंड हाउस वो एक व्यक्तित्व का, मतलब दिस इज ए यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ योर पर्सनालिटी। और सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस मतलब सेकंड हाउस का द्वादश तुम्हारा लग्न है, ठीक है, जो लॉस हाउस हो गया उसका, है ना। तो सेकंड हाउस जहां पीड़ित हो जाता है, वहां पर अगर किसी का पकड़ लो मंगल बैठ गया, तो आदमी दरिद्र हो जाता है, ठीक है। उसका बच्चा गारंटी है कि बच्चा होने से उसका ऑपरेशन होके बच्चा होगा। सेकंड हाउस मंगल पंचम में देख लेगा तो हो गया प्रॉब्लम ना उसका लाइफ में। वो मतलब धन कमाने के लिए इतना जल्दी इजीली देता नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन सा, जैसे कौन सा लग्न और राशि का जन्म हुए हो और मंगल सेकंड हाउस में बैठ गया, राहु बैठ गया और समस्या है, ठीक है। वो राहु बैठ के फिर राहु का खाना पीना बोलेगा, हंसे बोतलो कांदे कुकड़ा कक बोतल लाओ, ठीक है। तो यहाँ समस्या बन जाएगा। अगर वो वहाँ पर केतु बैठ गया तो फिर फैमिली से डिटैच कराएगा, तुम्हारे भोजन पे उतना ज़्यादा रुचि, उतना अगर केतु अगर वहाँ मतलब मुदित है, अच्छा है तो बढ़िया है, राहु वहाँ अच्छा है तो बढ़िया है, सडन गेन कराएगा, सडन मनी देगा। लेकिन सेकंड हाउस में राहु बना तो परिवार में रहोगे लेकिन परिवार में नहीं रहने के बराबर होगा, परिवार से तुम्हें थोड़ा सा विच्छेद दे सकता है, विच्छेदात्मक प्लानेट है। लेकिन वहां से खतरा क्या मुड़ता है ना, दूसरा घर में राहु बैठ के अष्टम को देख रहा है, अष्टम स्थान गुप्त विद्या, गुप्त तंत्र, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त बुद्धि, है कि नहीं। अब उसको भी बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा वो, उसको जब देखेगा तो उस क्षेत्र पे तुम्हारा मोमेंट को भी बढ़ा देगा। तो इसलिए जो सेकंड हाउस है, जब तुम खाते हो कुछ भी मुंह में खाते हो, है कि नहीं, वो सीधा पंचम पे पहुंच जाएगा, फिफ्थ हाउस पेट पे पहुंच जाएगा। तो तुम्हारा पंचम स्थान ज्ञान का, मंत्र सिद्धि का, पंचम स्थान तुम्हारे वो त्रिकोण में आ गया, तो पूरे वो ट्रिगिंग करता है पूरे लग्न को। फिर जब पंचम अफेक्टेड होता है तो नवम त्रिकोण त्रिकोण भाव 1 5 9 पे अफेक्ट करेगा, है कि नहीं। इसलिए जो सेकंड हाउस बहुत माने रखता है। तो मैं आप लोग ये कहने के पीछे जो रहस्य है कि सेकंड हाउस जहाँ धन का आवागमन है, अगर धन किस प्रकार का धन है, एक आदमी का सेकंड हाउस देख के बोल सकते हो क्या खाता होगा, कैसा खाता होगा, किस खाने पे उसका पसंद होगा, क्या नहीं खाना चाहता होगा, है कि नहीं। अब सेकंड हाउस जलीय राशि है तो उसको पानी ज़्यादा पसंद होगा, उसको अगर वो नेगेटिव है, राहु बैठ गया और वहाँ पीड़ित होके बैठा है, नीच होके बैठा है, तो नीच पानी में लेगा, दारू लाओ, मोहली लाओ, हंडिया लाओ, ठीक है। और अगर वहाँ बृहस्पति का एस्पेक्ट कहीं से पड़ रहा है तो फिर बोलेगा प्याज लहसुन माछ मछली अंडा कुछ नहीं खाएंगे, शुद्ध सात्विक खाएंगे, उसमें वो पीड़ित हो जाएगा, वो भी एक पीड़ा है, डिसबैलेंस होगा, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस वाला खेल ऐसा होता है ना, वहां से देख के हमें ये निर्णय करना पड़ता है। ओके, समझ में आ गया।